नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार कर रहे हों और चुनाव आयोग की टीम छापा मारने पहुंच जाए, ऐसे में क्या होगा? एक तरफ मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है। संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चुनाव आयोग अपना काम करता है और प्रत्याशी अपना काम करते हैं। चुनाव आयोग ने तय सीमा पर प्रचार करने की इजाज़त दी, लेकिन जब प्रचार समाप्त हो गया तब भी अगर कोई प्रचार करे तो चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार समाप्त होने के बाद प्रचार कर रहे थे। इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में खटीमा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी SS कलेर ने लगाया। बड़े मजे की बात तो यह है कि कलेर साहब ही चुनाव आयोग की एक टीम के साथ छापा मारने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब इस टीम को देखा तो कुछ देर के लिए वो भी हक्के बक्के रह गए, थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी ये मुस्कुराहट ज्यादा देर तक दिखाई नहीं दी। इसके बाद मुख्यमंत्री भी नाराज हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके बाद कलेर साहब को ये तक कह डाला कि केजरीवाल के स्टाइल में यहाँ पर काम मत करो। यहाँ तक बात तो नॉर्मल थी, लेकिन इसके बाद मामला थोड़ा सा उलझता हुआ और नोकझोंक होते हुए दिखाई दी। आप देखिए पूरा मामला, इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है और किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और SS कलेर साहब के बीच में कुछ देर के लिए नोकझोंक हुई। कैमरा एक बंद नहीं, एक कैमरा बंद नहीं, कैमरा वो कितना कैमरा बंद कर, कैमरा बंद नहीं, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, कैमरा बंद नहीं हो रहा। कानून हाथ में क्यों लिया भैया? ये सारी चीजें, ये कानून जहाँ जहाँ प्रचार कर रहे हो आज, प्रचार बंद है। आप जैसे आप घूम रहे हो वैसे हम भी घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हो जैसे आप कहाँ रहे हो? बुलाने से आए हैं। ये बिल्कुल बात गलत है, ये बिल्कुल बात गलत है। अरे बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल गलत है। हम केजरीवाल स्टाइल यहाँ स्टाइल क्यों ना चलाऊं जी? चलो चलेगा, स्टाइल क्यों ना चलाऊं केजरीवाल का? ये फायदा उठा रहे हो आप, अपनी सत्ता का फायदा उठा रहे हो आप, गलत पार्टी में हो आप, गलत पार्टी में हो, मैं किसी गल में हूँ, आप गलत पार्टी में हो, सत्ता का गलत फायदा उठा रहे हो आप, सत्ता का बिल्कुल गलत फायदा उठा रहे हो। अब कोई आ ही नहीं रहा तुम्हारे पास, क्या करूं भाई? चलो कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं आ रहा तुम्हारे पास, तुम भी घूमो ना, कोई हम प्रचार कर रहे हैं भाई, आगे से होगी आगे से। तो आपने देखा किस तरीके से यहां पर खटीमा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे दो प्रत्याशी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। चुनाव आयोग तटस्थ है, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। देखना यह है कि दोनों प्रत्याशियों में से किसके पक्ष में भारी मतदान होता है। साथियों, ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।